हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जूलॉजी का एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर जिसका नाम है फिशिंग क्राफ्ट्स एंड गियर। तो ये चैप्टर नंबर 3 रहेगा जूलॉजी का। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे मेनली फिशिंग क्राफ्ट के बारे में। आज हम थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन करते हैं इस चैप्टर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिशिंग क्राफ्ट। सबसे पहले जब एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें, एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो ह्यूमन बीइंग गेट देयर प्रोडक्ट, ये अपने प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से प्राप्त करते थे, या तो फिर प्लांट से या एनिमल से। दो ही चीज़ें थी इनके पास जहाँ से ये अपने प्रोडक्ट, ईटेबल प्रोडक्ट है जो इनसे ये प्राप्त कर सके। कुछ प्लांट के पार्ट होते थे, कुछ एनिमल के पार्ट होते थे। प्लांट के पार्ट के अंदर आ जाता था इनका सीड्स, रूट्स, जो एंशिएंट टाइम की हम बात कर रहे हैं। और एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें, एनिमल्स के कुछ पार्ट हो सकते हैं जैसे एग है, मिल्क है। इसके अलावा फिशिंग के बारे में बताया गया है जिसको हम मेनली पढ़ने वाले हैं। और फिशिंग की जो बात है हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी प्री हिस्टोरिक एरा। इसके अंदर फिशिंग की हमने थोड़ी सी डिस्कस किया था। और फिशिंग को जो गेट करने का सोर्सेस था इनका, जो फिशिंग को गेट करते थे, वो कोई भी नेचुरल सोर्स हो सकता था वाटर का, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का कोई भी नेचुरल सोर्स होता था, वहाँ से ये फिशिंग को गेट करते थे। अब उस फिशिंग को ये कैच करने के लिए अलग अलग तरीके के स्टेप करते थे, जैसे कि कोई भी इनके पास डिज़ाइंड कील होती थी, ठीक है, या कोई भी इसके पास डिज़ाइंड ऑब्जेक्ट होते थे इनके पास, जिनसे ये किसी भी फिश को कैच करते थे। तो इनके अपने एक इंस्ट्रूमेंट होते थे उस टाइम के, प्री हिस्टोरिक एरा की हम बात कर रहे हैं। तो उस टाइम अपने ही इंस्ट्रूमेंट से ये कुछ फिशेस को कैच करते थे, अपने स्टेप थे इनके पास। तो उन्हीं चीज़ों को हम काउंट करते हैं फिशिंग क्राफ्ट के अंदर। तो फिशिंग क्राफ्ट क्या होते हैं, ये प्लेटफॉर्म यूज फॉर कैच फिश, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके ऊपर बैठकर फिशेस को कैच किया जाए, या जिनके ऊपर फिश को कैच करके इकट्ठा किया जाए, ठीक है। ऐसे प्लेटफॉर्म जिनके ऊपर बैठकर, एक बेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता था फिशिंग क्राफ्ट, जिनके ऊपर बैठकर फिशेस को कैच किया जाए या जिनके ऊपर फिशिंग को इकट्ठा किया जाए, ठीक है, कलेक्ट किया जाए कलेक्शन के लिए। और फिशिंग गियर्स दूसरा आता है हमारा, फिशिंग गियर्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते थे, ऑब्जेक्ट विच यूज टू कैच फिश, और या फिर हंच फिश, फिश को लटकाने के लिए जिन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता था, उन ऑब्जेक्ट को हम बोलते थे फिशिंग गियर्स, ठीक है। कांटा, कील बोलते हैं ना, कांटा, फिश को पकड़ने के लिए जो कांटा यूज़ करते हैं उसका नाम आता है, मेनली हिंदी में उसको कांटा बोला जाता है। अब जो फिशिंग क्राफ्ट है उनकी हम बात करेंगे। फिशिंग क्राफ्ट कुछ ऐसा डिज़ाइन होता था, हम मेनली आजकल तो जो नाव है उसका यूज़ कर लिया जाता है फिशिंग क्राफ्ट के लिए, बोट जिसको बोलते हैं, बोट शेप ऑब्जेक्ट होता था उस टाइम पे फिशिंग को क्राफ्ट करने के लिए, जो आज भी मेनली बहुत सारे एरियाज के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो बोट यूज़ की जाती थी, ये जिस बोट को यूज़ किया जाता है उसकी हम बात करें तो उसको बोलते हैं कैटामैरन बोट। तो फिशिंग क्राफ्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहला आता है कैटामैरन। जैसा नाम है ऐसे ही इसका काम है, ठीक है,
जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। तो इसका जो नेम ड्राइव्ड हुआ है, नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ तमिल नेम जिसका नाम है कटलू मरम, कटलू मरम। अब कटलू मरम जैसा नाम है, इसी तरीके की बोट कुछ शेप होती है, बोट शेप होता है कटलू मरम। इसके अंदर फोर लॉग्स होते हैं, फोर लॉग्स ऑफ वुड टाइड टूगेदर। अच्छा, कटलू मरम का मीन है कीललेस बोट, इसका मीन है कीललेस बोट, मतलब इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई मेटल का यूज या आयरन का यूज नहीं किया होता। इसके अंदर एक लूजली रबर टाइड होती है, चार लॉग्स को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है और लूजली जो रबर टाइड होती है उस रबर का नाम ले लेते हैं हम, उसको बोला जाता है टेपा। ठीक है, टेपा उस रबर का नाम ले लिया जाता है। मोस्टली अगर हम देखें जो कैटामेरन या कटलूमरम, कैटामेरन या कटलूमरम टाइप की जो बोट होती हैं उसके अंदर जो उनकी लेंथ होती है, लेंथ ऑफ कैटामेरन 5 to 12 meters होती है लगभग। ठीक है, इसके अलावा विड्थ की हम बात करें तो विड्थ इसकी 0.7 से 1.4 मीटर के लगभग होती है। और इसके अलावा इसकी डेप्थ की बात करें, डेप्थ की बात करें या हाइट की बात करें तो वो 0.3 से 0.7 मीटर तक की इनकी हाइट या डेप्थ हो सकती है। तो एक कीललेस बोट कुछ इस तरीके से बनी होती है। इस कीललेस बोट की खास बात यह है कि इसके अंदर फोर लॉग्स ऑफ वुड लगे होते हैं, फोर लॉग्स ऑफ वुड लगे होते हैं जिसमें टू मेन का काम करते हैं, मेन लॉग्स का काम करते हैं और टू साइड्स लॉग्स का काम करते हैं, टू साइड लॉग्स का काम करते हैं। ये होती है एक कैटामेरन टाइप की बोट। अगर इनके टाइप का बात करें तो ये चार टाइप की होती है अकॉर्डिंग टू देयर कोस्टल एरिया। चार टाइप में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूं इनके टाइप्स। सबसे फर्स्ट टाइप आता है ओडिशा टाइप, दूसरा आता है आंध्रा टाइप और थर्ड आता है कोरोमंडल टाइप एंड फोर्थ एंड जो लास्ट आता है कैटामेरन का टाइप वो आता है बोट कैटामेरन, बोट कैटामेरन। इन चार टाइप की जो बोट शेप है ये हमें अलग अलग कोस्टल एरिया के अंदर देखने को मिलती है। जैसे ओडिशा टाइप, ओडिशा टाइप को दूसरा नाम दिया जाता है ओडिशा एंड गंजम टाइप, गंजम। ये जहां पे जिस एरिया में मिलती है उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम रख दिया गया। तो आइए वन बाय वन इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है ओडिशा एंड गंजम टाइप, इसकी हम बात करते हैं। ओडिशा एंड गंजम टाइप की ये बोट शेप होती है। सबसे पहला दीज आर बोट शेप्ड, एक बोट की शेप की आकार की होती है और इनके अंदर वैसे हमने बात की कि फोर लॉग्स यूज होते हैं बट इनके अंदर एक डिफरेंस ये भी देखने को मिलता है कि दीज आर मेड अप ऑफ यूजिंग
फाइव लॉग्स ऑफ वुड, पांच वुड्स के लोग यूज किए जाते हैं इसके अंदर। थर्ड में दीज वुड्स लोग, अब एक खास बात इसके अंदर और क्या मिलती है, ये मिलती है अभी तक मैंने बताया ना कि टाइड करके बांधा जाता है उनको, बट फाइव वुड्स ऑफ लॉग्स आर पैक्ड टूगेदर विद द हेल्प ऑफ वुड इंस्टेड ऑफ टाइट, मतलब बांधने की जगह पे लकड़ी से, कैसे ना कैसे लकड़ी से ही उनको एक दूसरे के साथ ठोक दिया जाता है। तो इस तरीके से ये तैयार हो जाती है हमारी एक बोट शेप्ड कैटामैरन। और ये कहाँ कहाँ पे मिलती है, जैसे पुरी, पुरी का एरिया है ठीक है, और ओडिशा है, या फिर ओडिशा का जो डिस्ट्रिक्ट है गंजम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये देखने को मिलती है। मेनली इसके अंदर तीन चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये किस शेप की होती है, बोट शेप की होती है। इसके अंदर फाइव लॉग्स ऑफ वुड का यूज़ किया जाता है। फाइव लॉग्स ऑफ वुड आर टाइड टूगेदर इंस्टेड ऑफ टाइड टूगेदर, आपने ये वर्ड यूज़ करना है, इंस्टेड ऑफ टाइड टूगेदर दे आर पैक्ड विद वुड, वुड के साथ वो पैक्ड होते हैं, मतलब वुड के साथ ही वो ठोक दिए जाते हैं, जैसे लकड़ी की कील बना के ठोक दिया जाए ना, वैसा कुछ काम होता है। और इसके अंदर, इसके अलावा ये यूज़ होती है पुरी, ओडिशा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके बाद सेकंड पे चलते हैं हम, आंध्रा टाइप। आंध्रा टाइप की एक खास बात यह है कि ये दीज आर हैवी कैटामैरन। दूसरी बात, दीज कैटामैरन आर लॉन्ग देन ओडिशा टाइप। ओडिशा टाइप की कैटामैरन से ये लॉन्ग होती हैं। और थर्ड, ये आंध्रा की तरफ यूज की जाती हैं ठीक है, आंध्रा की तरफ यूज इन आंध्रा डिस्ट्रिक्ट्स, आंध्रा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर ये यूज़ की जाती हैं। फोर्थ में अगर हम इसकी बात करेंगे तो हैवी लॉग्स आर यूज इन मिट, जो इसके हैवी लॉग्स होते हैं आर यूज इन एज मीडियन बोल सकते हैं, एज मीडियन लॉग्स। तो ये आंध्रा टाइप की कैटामैरन की खास बात है। थर्ड की अगर हम बात करें तो यहां पे आ जाएगी कोरोमंडल टाइप। जो कोरोमंडल टाइप होगी इसकी एक खास बात ये है, जो कोरोमंडल टाइप हमें देखने को मिलती है इसके अंदर, अगर इसकी खास बात की बात करें तो सबसे पहले इसके फाइव या थ्री और फाइव लॉग्स ऑफ वुड्स आर यूज्ड, इसके अंदर तीन से पांच वुड्स के लोग यूज होते हैं। एंड दीज आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, ये कुछ डिफरेंट लेंथ के हो सकते हैं। थर्ड में इसके अंदर सेल्स आर यूज्ड, सेल्स का इसके अंदर यूज होता है सेल। एंड फोर्थ, जो सेल है वो हेल्प करता है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ क्राफ्ट की मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है। दीज आर यूज इन चेन्नई, मोस्टली चेन्नई की तरफ ये यूज होती है ठीक है। थ्री से फाइव लोग इसके अंदर यूज होते हैं, दीज आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स के लोग होते हैं ठीक है।
दीज आर जो 3 से 5 लोग, दीज आर ऑफ डिफरेंट लेंथ सेल्स, इसके अंदर यूज कपड़ा होता है ना जो बांधा हुआ कपड़ा, ठीक है, बोट के अंदर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जहाजों के अंदर कपड़े से बांधे होते हैं जो डायरेक्शन देते हैं विद द मूवमेंट ऑफ एयर करंट, एयर करंट के मूवमेंट के साथ थोड़ी डायरेक्शन को प्रोवाइड कर देते हैं और मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं कैटामेरन के, तो इसके अंदर ये आ जाएगा सेल्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ क्राफ्ट और दीज आर यूज इन चेन्नई, मोस्टली दीज आर चेन्नई के अंदर यूज की जाती है। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ आ जाता है हमारा बोट कैटामेरन। बोट कैटामेरन कहाँ यूज होता है, ये मंडपम में, मंडपम कोस्ट, यहाँ पे इसका यूज किया जाता है और इसमें कुछ नहीं मोस्टली 3 लोग्स ऑफ वुड आर यूज टू फिट लाइक अ बोट। एक बोट की तरह 3 वुड के लोग हैं उनको लगा दिया जाता है और इसका यूज किया जाता है मंडपम पोस्ट की तरफ इसको यूज किया जाता है। तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो जो क्वेश्चन है मोस्टली 2 से 3 नंबर का पूछ लिया जाता है, कई बार 2.5 नंबर का भी आया हुआ है कि जो कैटामेरन बोट हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करो। ये 4 टाइप की आती हैं कैटामेरन बोट और इनके बारे में हमने इस तरीके से कुछ डिफाइन कर देना है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कुछ मूसला बोट, डगआउट कैनोए, ढींगी नौका, इनके बारे में रहेगा। तो हम फर्दर इनको आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे। आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।